प्रॉब्लम जो नोट डाउन किया हूँ आपको, धात की समस्या है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, लिंग में तनाव की समस्या है, टाइमिंग की प्रॉब्लम है, और मोटी मोटी नसें बन गई है। और इन प्रॉब्लम्स के लिए आपने कैलाडियम जो मेडिसिन है वो 30 पोटेंसी में आपने खाया हुआ है। खाया है ना आपने? हाँ, 30 में आपने जो खाया है, शुरुआती दिन में थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट आपको दिख गया था कैलाडियम से, लेकिन बाद में वो आपको नुकसान कर गया, उससे साइड इफेक्ट आपका बढ़ गया बहुत ज्यादा। ये बात है ना? उससे पैरों में कमजोरी हो गया। और क्या हुआ बताइए, घबराहट कुछ बोल रहे थे आप, बताइए। पहले आप ये बताइए कैलाडियम से आपको साइड इफेक्ट क्या हुआ, मुझे पहले ही बताइए आप। हाथ पैर में कमजोरी, कैलाडियम 30 लेने के बाद, मिस यूज करने के बाद हाथ पैर में कमजोरी होना स्टार्ट हो गया, एक नंबर। उसके बाद आप क्या बोल रहे थे बताइए? घबराहट होना स्टार्ट हो गया, बेचैनी। अच्छा, घबराहट बेचैनी, और कुछ? मैं अपना YouTube वीडियोस में आप लोग को अक्सर एक बात का अलर्ट करता हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन से आप लोग को सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। ये बात मैं अक्सर आप लोगों को बोलता हूँ, और वो भी अलग अलग पेशेंट का फीडबैक के साथ, अलग अलग पेशेंट का रिव्यूज के साथ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे पेशेंट के अंदर सेल्फ मेडिकेशन करने से प्रॉब्लम बढ़ गया। तो आप लोग सेल्फ मेडिकेशन ना करें। जैसे कि इस पेशेंट के साथ अभी हुआ, इस पेशेंट ने कैलाडियम जो मेडिसिन है उसका मिसयूज किया। कैलाडियम का तो पेशेंट ये है नहीं, कैलाडियम अगर लेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम बढ़ेगा। आपका अंदर वो मेडिसिन का सिम्टम नहीं है, लेकिन फिर भी उसको आप लिए जा रहे हैं तो क्या होगा, वो मेडिसिन आपका अंदर काम तो करेगा नहीं, या काम थोड़ी बहुत पेरिएशन थोड़ा बहुत कर भी देगा 19-20, तो आपका अंदर बाद में वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हाँ, मैं माना कि कैलाडियम जो मेडिसिन है जनरल मेडिसिन है, इसको मैंने वीडियो बनाया है किस प्रकार से लेने के लिए बनाया है, वो उस प्रकार से अगर आप लिए होते, ये पेशेंट अगर लिया होता तो शायद प्रॉब्लम ना होता, और फायदा भी हो जाता। अगर होने का रहता फायदा तो फायदा हो जाता, अगर फायदा नहीं भी होता तो एटलीस्ट साइड इफेक्ट नहीं होता। मैं जिस प्रकार से बताया हूँ अपनी वीडियो में, उस प्रकार से अगर ये पेशेंट लिए होते तो। लेकिन इन्होंने किसी और का वीडियो देखा, वहां से उनका बताने के अकॉर्डिंग इन्होंने कैलाडियम को इस्तेमाल किया, 30-200 में इस्तेमाल किया, और साइड इफेक्ट देख लीजिए, घबराहट बेचैनी हो रहा है, अभी काम करने का मन नहीं कर रहा है, पैरों में वीकनेस कमजोरी, हाथ पैर में वीकनेस कमजोरी हो रहा है, पैर नहीं चल रहा है, हाथ पैर नहीं चल रहा है, दिमागी तौर पे इनको घबराहट बेचैनी हो गया है, बीपी थोड़ा बढ़ गया है इनका, अभी पैल्पिटेशन हो रहा है, घबराहट हो रहा है, रात को नींद नहीं आ रहा, अभी इनको कोई भी काम करने से पहले इनको डर लग रहा है, घबराहट हो रहा है, थोड़ा सा चलने में फिरने में थोड़ा इनको पेन हो रहा है, पैरों में पेन हो रहा है, एक वीकनेस सा पेन हो रहा है, यानी वीकनेस के साथ पेन हो रहा है अभी चलने फिरने में, साथ में घबराहट बेचैनी, रात को नींद नहीं हो रहा है, एक मृत्यु भय तक इनका अंदर आ चुका है, ये कैलाडियम लेने के बाद से ही स्टार्ट हुआ। कैलाडियम 30 जो है पहले लिए थे, उससे थोड़ा बहुत फायदा इनको दिख गया, थोड़ा बहुत इनको इम्प्रूवमेंट दिख गया, उसके बाद 200 में मेरे ख्याल से शायद लिए थे, उसके बाद प्रॉब्लम सारी समस्या स्टार्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से अभी इस पेशेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए, ये जो पेशेंट है ये कैलाडियम का पेशेंट तो है नहीं, कैलाडियम जो मेडिसिन है अच्छी मेडिसिन है, काम करता है, लेकिन इसकी कुछ 3-4 प्रमुख सिम्टम है, अगर वो मैच करे और अगर बड़ी रेमेडी कोई अगर इंडिकेट ना करे पेशेंट के अंदर, तो उस केस में हम लोग कैलाडियम, एग्नेस कैस्टर, सिलेनियम, छोटी रेमेडीज जो होती है, तब हम लोग इन मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जब पेशेंट के अंदर कोई बड़ा रेमेडी इंडिकेट कर रहा है, तो बड़ा रेमेडी को छोड़कर अगर आप छोटा रेमेडी के पास जाएंगे, तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत पेलिशन, आपको पेलेटिव ड्रग के तौर पर आपको थोड़ी बहुत आपको इम्प्रूवमेंट आपको दिख जाए, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है, अगर उसको अगर रिपीट फास्ट तरीके से कर देंगे, फास्ट रिपीटेशन कर देंगे, तो आपको वो मेडिसिन साइड इफेक्ट बिल्कुल कर जाएगी, बिल्कुल आपका अंदर एग्रावेशन हो जाएगा, जैसे कि इस पेशेंट के अंदर हुआ। कैलाडियम से इस पेशेंट के अंदर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ था, लेकिन आगे जाके गलत रिपीटेशन के कारण से, मेडिसिन का गलत पोटेंसी का सिलेक्शन के कारण से इनका अंदर साइड इफेक्ट हो गया, इनका अंदर एग्रावेशन हो गया। तो अब हम लोग इस पेशेंट को कैसे टैकल कर सकते हैं, एक तो पहले इनका जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक करना है, साथ में जो एग्रावेशन हो गया अभी, घबराहट बेचैनी, हाथ पैर में वीकनेस कमजोरी, इसको भी कैसे ठीक करना है, दोनों को ठीक करना है। अभी पेशेंट का जो रियल प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करना है, जिसके लिए कैलाडियम इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। अब कैलाडियम लेने के बाद जो साइड इफेक्ट हुआ है उसको भी ठीक करना है।
तो ये पेशेंट बहुत ज्यादा सेल्फ मेडिकेशन नहीं किए हैं, इन्होंने किसी का वीडियो देखे, वीडियो देखने के बाद कैलाडियम ही एक मेडिसिन इन्होंने लिए है, ट्राई किए है, कैलाडियम से इनका अंदर थोड़ा बहुत अब प्रॉब्लम हो गया है। तो अब हम लोग इस पेशेंट का थॉरली मैंने केस टेकिंग किया, केस टेकिंग करने के बाद इस पेशेंट को मैं अर्जेंटम नाइट्रिकम प्रेस्क्राइब किया हूँ। अर्जेंटम नाइट्रिकम मैं क्यों प्रेस्क्राइब किया हूँ, मैं अक्सर अपना वीडियोस में बताया हूँ कि अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो पेशेंट होता है बड़ा नर्वस पेशेंट होता है, इसको हाइट से डर लगता है, कहीं कल कहीं जाना है तो आज से इनको घबराहट बेचैनी हो जाता है, कोई आने वाला है तो उससे कैसे बात करेंगे, कैसे उससे इंटरेक्ट करेंगे, उसको उससे पहले डर लग जाता है, हर चीज में डर रहता है, हर चीज में, हर काम में इनको डर लगता है। इसके अलावा नर्वसनेस, बेचैनी, घबराहट, और धूप में बाहर निकलने से इनको प्रॉब्लम होता है, इनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है। इसके अलावा हाइट से डर लगता है, ऊंचाई से भी डर लगता है, और स्वीट खाने की क्रेविंग इनका अंदर बहुत ज्यादा है, और स्टूल जो होता है वो पतला होता है, स्टूल का दौरा जब स्टूल जब पास आउट करने के लिए जाते हैं तो उस समय फ्लैटिस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा आवाज होता है, और पेट में गैस भी बनता है थोड़ा बहुत। तो इन सब सिम्टम्स का ऊपर हम बेस करके पेशेंट को मैं अर्जेंटम नाइट्रिकम प्रेस्क्राइब किया हूँ। पेशेंट का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो लीन थिन लंबा जो मैसिएटेड बॉडी होता है अर्जेंटम नाइट्रिकम का, वो भी मैच किया है पेशेंट का अंदर। तो इन सभी सिम्टम्स का ऊपर बेस करके मैं अर्जेंटम नाइट्रिकम प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ 0/1, 2, 3, 4, और मेरा उम्मीद है इससे कैलाडियम का जो साइड इफेक्ट हुआ है ये भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा, और साथ में जो पेशेंट का जो प्रॉब्लम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर इजेकुलेशन, और लिंग में वहाँ पे इनका जो नसें है थोड़ा सा उभर चुका है, थोड़ा सा फूल चुका है, वो भी ठीक हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, मैं अक्सर आप लोगों को मना करता हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, कोई पैथी में आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, एलोपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक, कोई पैथी का आप सेल्फ मेडिकेशन आप लोग ना करें, किसी का वीडियो देख के, आर्टिकल पढ़ के, या ओवर द काउंटर मेडिसिन जाके आप लोग ना खरीद के खाएं, इससे प्रॉब्लम बढ़ता है बहुत ज़्यादा। आप लोग समझते नहीं है, आप लोग दो पैसा कुछ सेव करने के लिए आप लोग ऐसा करते हैं, लेकिन कभी भी आप ठीक नहीं हो पाएंगे। खास तौर पर अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन से सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो वहाँ पे हाई चांसेस रहता है कि आपका अंदर एग्रावेशन हो जाए, क्योंकि जो पोटेंटाइज मेडिसिन होती है होम्योपैथि में, ये बड़ी पावरफुल मेडिसिन होती है, ये आपका बॉडी के अंदर डीप कोर में जाकर काम करता है, आपका जीन तक चला जाता है, ये जीन में जाके ये काम करता है। तो इन मेडिसिन से आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। इस पेशेंट का प्रॉब्लम मैं पूरी तरह ठीक कर दूंगा, पेशेंट को मैंने आश्वासित कर दिया है, लेकिन शर्त एक है, शर्त यही है कि आपको वहां से कोई मेडिसिन आपको नहीं खाना है, खास तौर पे होम्योपैथिक मेडिसिन आपको वहां से कोई मेडिसिन आपको उठा के नहीं खाना है, सिर्फ हम जो मेडिसिन भेजेंगे यही मेडिसिन आप खाइएगा। सिंगल रेमेडी मैंने प्रेस्क्राइब किया है, कोई 5-6 टॉनिक मेडिसिन कुछ भी हमने इनको नहीं दिया, सिर्फ एक मेडिसिन अर्जेंटम नाइट्रिकम 0/1, 2, 3, 4 पहले 2 महीने के लिए, इसी से पेशेंट का अंदर काफी हद तक इंप्रूवमेंट आ जाएगा जहां तक मुझे लगता है। मैं आप लोगों को पेशेंट का रिव्यू जब आएगा आफ्टर 2 मंथ मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा, केस नंबर आप लोग याद रखिएगा। सो माय डियर फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।